नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इस तरह का ये डिज़ाइन। देखिए, ये मैंने सैंपल बनाया है 26 फंदों में। 24 फंदों की हमारी बुनाई है और एक एक फंदा स्टिच है हमारा एक्स्ट्रा। और ये मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना के ये डिज़ाइन शुरू किया है। आप भी जब भी अपना स्वेटर बनाएं, बॉर्डर बना के उल्टी सिलाई से अपना फंदे बढ़ा लीजिए और सीधी सिलाई से हमारा ये डिज़ाइन आएगा। तो हमारी ये चार दो छः फंदों की हमारी बुनाई है ये, और ये चार सिलाई में यहाँ तक ये पूरी होती है। यहाँ जाके हमारी ये एक डिब्बी बनती है, यहाँ से यहाँ तक आठ सिलाइयों की। तो आइए हम ये दूसरा इसी तरह का ये डिज़ाइन आगे मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। मैंने इस पे ना अलग कलर का धागा लगा दिया है, इसमें हमें स्पष्ट दिखाई भी देगा बनने में और पता भी लग जाएगा दो कलर में किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता है। तो इसी मैं शुरू करके दिखाती हूँ। मैं यहीं से स्टार्टिंग से जैसे आपने बॉर्डर बनाया उसी के बाद जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया सेम उसी तरह से यहाँ से शुरू करूँगी मैं। तो देखिए, इस तरह से पहला फंदा हमारा बना लिया। चाहे आप उतार लीजिए जैसा आपको सही लगता है। और फिर दूसरे फंदे में इस तरह से ऐसे करेंगे, ये एक और धागा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा इसको ढीला रहने देंगे, ऐसे पकड़ लेंगे चाहे ऐसे ऐसे करके, और इसका एक फंदा और बना देंगे। तो इसे ऐसे ढीला रखना है हमने, जितना ढीला हो सके। ढीला हो गया, इधर एक ही बनाना है हमने ना। अब हम बना देंगे चार फंदे। ये चार फंदे बना दिए, बीच में चार हो गया। अभी इन दोनों पे पड़ेगा, ये जो दो हैं बीच के, इन पे ऐसे करके एक बार अपने धागे को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के रखेंगे, इसको ऐसे थोड़ा, और इस पर दो बार सॉरी इस पर भी बना लेंगे हम ऐसे, और इसी तरह से थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे और इस पर एक और फंदा निकाल देंगे हम ऐसे इस तरह से। अब चार फंदे हम सीधे बुन लेंगे, चार फंदे सीधे। फिर इससे भी इन दोनों पे भी ऐसे निकाल देंगे। देखिए, एक और बात दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह निकालना। ऐसे धागा डाला, ऐसे इसको छोड़ना नहीं है अभी, और इसको धागे को थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से कि ढीला जाए हमारा ये, इस तरह से थोड़ा सा कस के नहीं जाएगा। फिर धागा ऊपर कर लेंगे और ऐसे हम इसको, एक फंदा बढ़ भी जाएगा हमारा और ऐसे ढीलापन आ जाएगा थोड़ा, इस पर थोड़ा लूज हो जाएगा। फिर इस पर भी निकालना है हमने ऐसे करके, थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ के रखेंगे धागे को, नीचे से पकड़ के रखेंगे ऐसे करके उंगली से, और एक फंदा और निकाल लेंगे तो थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा अच्छे से। फिर हम चार फंदे बना लेंगे सीधे, और लास्ट में भी हम ऐसे करेंगे सॉरी एक ही था, इसको पलटना भूल गई मैं। और इसमें से भी हम ऐसे निकाल लेंगे एक, और यहाँ से पकड़ लेंगे थोड़ा सा ऐसे, और इस पर फिर दो, ये तीन फंदे बन गए एक के, लास्ट का फंदा हमारा इसको बना लेंगे। आगे हम अपनी अगली डिजाइन की उल्टी साइड से देखिए, पहले एक फंदा हमने बुन लेना है उल्टा ही, चाहे बिना बुने निकाल दीजिए। अब ये तीन फंदे हमारे ये, इनको हमने ऐसे ही ले लेना है, बगैर बुने ले लेना है। फिर हमने चार फंदे ये उल्टे बना लेने हैं, बीच में चार फंदे उल्टे बना लिए, चार फंदे उल्टे बना के फिर से ये तीन फंदे हम ये बिना बुने ले लेंगे, ये भी। फिर बीच में और हैं तीन फंदे, इनको बिना बुने ले लेंगे। छः फंदे को बिना बुने ले लिया, और ये जो है हमने उल्टे बना देने, चार फंदे उल्टे बना देने हैं। और फिर ये बीच में जो है तीन फंदे आ गए फिर से, एक के तीन बनाए थे जो हमने, इनको बिना बुने ले लेना है, इन तीन को भी बिना बुने ले लेना है। फिर ये चार ऐसे बना लेंगे हम, इसी तरह से ये पूरी सिलाई बना लेंगे हम। देखिए, लास्ट में भी हमारे ये तीन फंदे हैं, और ये लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। स्टार्टिंग में भी तीन थे ये, यहाँ पे
तो लास्ट में भी हमारे तीन आए हैं। अब इनको सीधी सिलाई है हमारी, देखिए डिजाइन की, डिजाइन की तीसरी सिलाई है हमारी। देखिए पहला फंदा बना लिया। अब ये जो तीन फंदे हैं हमारे, ये तीन, इनको हम इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे अलग से। अरे दो फंदे, चार फंदे ना, ये दो फंदे इनमें से इधर आ जाएंगे, इनको निकालेंगे ऐसे। चाहे आप इन्हें पहले ले लीजिए ऐसे, इनको बड़ी सावधानी से डालना है फंदों को, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, नहीं तो डिजाइन ख़राब हो जाएगा। बस फिर ऐसे करके इसमें डाल के पीछे के फंदे हमने दो पहले आगे बना लिए, ये आगे बना लिए आगे लाके। और ये जो है इस तरफ था, ये एक का तीन बना रखा, इसको हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे बनाएंगे ऐसे और ऐसे। ये हो गया, ये इस तरह से आ जाएगा, फिर ऐसे हो गया। अब ये दो फंदे हैं ये भी हमारे, ये पीछे चले जाएंगे, यहाँ से नीचे से पीछे जाएंगे, ये ऊपर से आगे आ जाएगा। इसको हम ऊपर से ले लेंगे ऐसे करके, इनको निकाल देंगे दो फंदे जो हैं, ये दो हैं, इनको बाहर करेंगे पहले, ऐसे कर दिया, ये इधर को करा, और ये जो फंदे हैं हमारे जिस पर डाल देंगे ऐसे और ऐसे। ये दो फंदे इधर चले गए, ऐसे आ गए, ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस होके हम इसे ऐसे बना देंगे, फिर इस तरह से ये बन गया ऐसे। और फिर ये हमने, फिर ये दो भी इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और ये वाला हमारा इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा। देखिए इन फंदों को छोड़ेंगे पहले, चाहे आप किसी सिलाई पे ले लीजिए इन फंदों को, ऐसे करके इनको आगे ले आएंगे। और ये हमारे ये आगे बन गए है डिजाइन वाला फंदा, ये तीन का एक बना लेंगे ऐसे। अरे बाकी ये दो पीछे पीछे चले गए हमारे, इनको ऐसे पीछे बना लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए देखिए इनको इस तरह से निकाल लेंगे फंदों को, इन्हें इस पे ले लेंगे, इस वाली सिलाई पे ले लेंगे ऐसे करके, इनको इसी पे डाल के वापस। ये तीन हैं जो एक के तीन बनाए हमने, इनका फिर हम दो तीन का एक बना लेंगे ऐसे। बना लिया, सॉरी, ये देखिए ये तीन फंदे हमने पीछे ले लिए, यहाँ से ये इधर को आगे कर दिए, आगे कर दिए। अब बनाएंगे ना ये दो फंदे पहले बना लेंगे बीच में, अब ये तीन बना लेंगे, तीन का एक कर दिए। अभी हमारे ये दो फंदे हैं, ये इधर चले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा लास्ट का, ये इस तरह से। इसको तो बना ही लेती हूँ मैं, ये हमारे पीछे आ जाएंगे ऐसे करके, इन्हें इस तरफ ले लेंगे ऐसे, ऐसे बना लेंगे, इस तरह आ जाएगा ये लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह आ जाएगा ये, और उल्टी सिलाई बनाएंगे इस बारी में, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे, उल्टी सिलाई, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी डिजाइन की पूरी हो गई है, ये वाली लाइन हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है इसको, उल्टी उल्टी बना लेंगे पूरा। देखिए इस तरह से आया। अब ये जो बीच के ये फंदे, ये है ना बीच के दो फंदे, तो इन पे पड़ेगा हमारा डिजाइन, इन पे पड़ेगा, तो हम पहले दो सीधे बुनेंगे, एक एक्स्ट्रा स्टिच, फिर दोनों सीधे बुनेंगे, फिर इन पे पड़ेगा हमारा डिजाइन।